दोस्तों, आज के आई फैक्टनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंग्लिश स्लैंग्स के बारे में। स्लैंग्स ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है, ऐसे लैंग्वेज को कहा जाता है जो कि एक कोई ख़ास ग्रुप स्ट्रीट लेवल पे इनफॉर्मली बोलता है। ये राइटिंग में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जब आपने नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी हो इंग्लिश में, तो आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा स्लैंग्स यूज़ करते हैं अपनी बोलचाल में, और उनको समझने के लिए आपको भी उन स्लैंग्स के मीनिंग पता होने चाहिए और साथ ही साथ आपको उनका यूजेज भी पता होना चाहिए। तो आज के आई फैक्टनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 35 स्लैंग्स के मीनिंग और यूजेज को समझेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला जो स्लैंग है वो है बेल। बेल आपको पता है जमानत को कहते हैं, वैसे तो जब कोई जेल में बंद हो जाए तो उसकी बेल की जाती है, लेकिन जब हम अमेरिकन इंग्लिश में स्ट्रीट लेवल पे बेल की बात करें तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपने शायद कोई कमिटमेंट की और बीच में या ऐन वक्त पे आप उससे भाग रहे हों, तो उसको हम कहते हैं बेल करना। मैंने आपसे कोई कमिटमेंट की कि चलो भाई मूवी देखेंगे, मूवीज़ पे चलते हैं, और आधी मूवी में मैंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ। जब मैंने ये कहा तो आप मुझे कहेंगे डोंट बेल ऑन मी, यानी कि मुझे छोड़ के ना जाओ, हमारी पूरी रात के प्लान्स हैं उनको तो पूरा करो। डोंट बेल ऑन मी यानी कि मुझे छोड़ के ना जाओ या मूवी को छोड़ के ना जाओ। इसी तरह दोस्तों एक और स्लैंग वर्ड हम यूज़ करते हैं बेब। बेब का मीनिंग होता है जी डार्लिंग, यानी कि जिस तरह हम हिंदी और उर्दू में कहते हैं जानू, तो इंग्लिश में हम बेब का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह हम कहेंगे बेब हाउ आर यू डूइंग, कैसे हो, कैसी हो बेब, कैसी हो जानू, जिस तरह हम फ़ोन पे बात करें, तो बेब का मीनिंग स्लैंग वर्ड में होता है जानू। इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश में एक और स्लैंग यूज़ करते हैं बक। बक्स, बक्स जो होते हैं वो डॉलर्स को कहा जाता है, पैसों रुपयों को कहा जाता है। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कैन यू लेंड मी 10 bucks, तो इसका मीनिंग ये है कि आप मुझे 10 rupees उधारे दे सकते हैं। कैन यू लेंड मी 10 bucks। इसी तरह एक और हम स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं बस्टेड। बस्टेड का मीनिंग ये होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, और ऊपर से कोई आ जाता है और मुझे देख लेता है, मुझे पकड़ लेता है, तो उसको कहते हैं कि बस्ट होना। जिस तरह चोर चोरी कर रहा हो ऊपर से पुलिस आ जाए तो हम कहेंगे कि जो चोर है वो बस्टेड हो गया है। जिस तरह पुलिस ने चोर को देख लिया और कहते हैं यू आर बस्टेड, यानी कि तुम्हें हमने रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब तुम जेल जाओगे। एक और स्लैंग वर्ड या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं बाय द स्किन ऑफ माई टीथ या बाय द स्किन ऑफ समवनस टीथ। इसका मीनिंग ये होता है कि बामुश्किल बचना। जिस तरह आप कहीं पे जा रहे हैं और गाड़ी बिल्कुल आपके साथ से गुजर गई तो आप कहेंगे आई एस्केप्ड एन एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, मैं बस एक्सीडेंट से बाल बाल बचा। जिसे हम कहते हैं ना बाल बाल बचना, उसी तरह इंग्लिश में है स्लैंग वर्ड बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। इसी तरह हम एक और स्लैंग यूज़ करते हैं, स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मीनिंग ये होता है कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं आज के लिए उसको ख़त्म करते हैं, अभी के लिए उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, आज का जितना काम करना था हो गया, अब कल देखेंगे। तो काम रोकने को कहेंगे कॉल इट अ डे। जिस तरह शाम को हम बहुत ज़्यादा थक गए तो मैंने कहा लेट्स कॉल इट अ डे, चलें आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, दिन का इख्तिताम करते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। इसी तरह एक और हम स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वो है काउच
potato. Couch, sofa, potato, aloo. Sofa ka aloo. Ab koi banda jo sofa pe baitha rahe, TV dekhta rahe, sofa se hile na, to usko hum kehte hain couch potato. Koi aalsi bande ko, sust bande ko couch potato kahenge. Jisa main kehta hoon, I tend to be a couch potato. Yani ke main matlab itna sust mujhme couch potato banne ki main matlab hota hoon. मैं काउच पोटैटो बना रहता हूँ. इसी तरह क्रैश किसको कहते हैं हम आम इंग्लिश में जब कोई दो चीज़ें आपस में टकराएं. लेकिन क्रैश अमेरिकन स्लैंग में किसी के हाँ जिस आप गए और आप उसके सोफे पर लेट के सो जाएं तो उसको कहेंगे क्रैश ऑन द सोफ़ा. जिस आप कहते हैं यार आज मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं आपको कहूँगा यू कैन क्रैश ऑन माई सोफ़ा. तुम मेरे सोफे पे सो सकते हो. यू कैन क्रैश ऑन माई सोफ़ा. इसी तरह एक और वर्ड है जी क्रीप. क्रीप एक क्रीपी शख्स को आ जाता है अजीबो गरीब शख्स को यानी कि जिसे देख के आपको कभी डर लगे कभी अजीब सा वो लगे तो उसको कहते हैं क्रीप. जैसे मैं आपको कह सकता हूँ डोंट बी अ क्रीप यानी कि वो पागल बंदा ना बनो या ही इज़ अ क्रीप यार वो तो अजीब व गरीब ही बंदा है. जैसा हम कहते हैं अजीब सा बंदा है तो उसको कहेंगे क्रीप. इसी तरह एक और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं स्लैंग के तौर पे डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ एक आजिज बंदे को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हम्बल हो उसे डाउन टू अर्थ कहते हैं. जैसे मैं कहता हूँ यू आर वेरी डाउन टू अर्थ यानी कि आप बहुत ही नाइस पर्सन है बहुत ही हम्बल पर्सन है बहुत ही मतलब आजिज बंदे हैं यानी कि आप सबकी इज्जत करते हैं तो हम उसको कहेंगे डाउन टू अर्थ पर्सन. एपिक फेल यानी कि जब कोई बहुत बुरी तरह फेल हो जाए जैसे हमने कहा यार हम बनाते हैं एक कागज़ का जहाज़ और उसको उड़ाते हैं कागज़ का जहाज़ बनाया उड़ाने की कोशिश की ठक उधर ही गिर गया तो ये एपिक फेल हुआ. या मैंने कहा आज मैं कुकिंग करता हूँ और कुकिंग करते हुए क्या हुआ कि मैंने गलत खाना बना दिया जी वो गरीब खाना बना दिया और खाना जल गया तो वो एपिक फेल हो गया. जिससे हम कह सकते हैं देयर एक्सपेरिमेंट वॉज एन एपिक फेल कि उनका जो तजर्बा था वो बहुत बुरी तरह फेल हो गया. एपिक फेल बहुत बड़ा फेलियर. अच्छा जी इसी तरह हमारे पास एक और स्लैंग वर्ड्स हैं फील ब्लू या हैव द ब्लू. ये इसका मीनिंग ये होता है कि अफसरदा या डिप्रेस्ड होना तो उस वक्त हम कहते हैं फील ब्लू. आर यू मैंने देखा आप बहुत परेशान बैठे हैं अकेले अकेले बैठे हैं तो मैं पूछूंगा आपसे आर यू फीलिंग ब्लू यानी कि क्या आप डिप्रेस्ड हो क्या आप अफसरदा महसूस कर रहे हो. इसी तरह एक और वर्ड है फॉर रियल. ये भी हम यूज़ करते हैं. इसका मीनिंग ये होता है कि क्या ये वाकई में ही सच है. जैसा आप मुझे कोई कहानी बता रहे हैं यार ये हो गया आज जिस्सा हो गया मैं जा रहा था तो मुझे वो नज़र आ गया. मैंने कहा वाकई में फॉर रियल क्या ये वाकई में ही सच है. तो जैसे कि हम पूछें इज़ डैट रियली ट्रू तो हम सिंपली पूछ सकते हैं फॉर रियल. या फिर जिस समय आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ और आखिर में कहता हूँ वाकई में यार मैं सच बोल रहा हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं जा रहा था वो मुझे मिला फॉर रियल यानी कि वाकई ही में. तो उस वक्त भी हम इसको यूज़ करते हैं. गिविंग अ कोल्ड शोल्डर इसका मीनिंग ये होता है कि किसी को अनफ्रेंडली वे में ट्रीट करना. जिससे आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं मैं आपके घर एक दिन आया तो आप मुझे अनफ्रेंडली वे में ट्रीट कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूँगा Why are you giving me a cold shoulder? आप मुझे इतना unfriendly way में क्यों treat कर रहे हो क्या मसला किधर है यार कोई problem है. इसी तरह हम कहते हैं hot on the trail. Hot on the trail का क्या मतलब है कि आप किसी का पीछा कर रहे हैं तो आप बस उसको पकड़ने लगे हैं तो आप उसको कहते हैं कि उस चीज़ को मैं पकड़ने लगा हूँ उस चीज़ तक मैं पहुँचने लगा हूँ. जिसमें पुलिस जो है चोर को पकड़ने ही वाली है डिटेक्टिव जो होते हैं वो
हॉट ऑन द ट्रेल उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप उस चीज़ को पकड़ने लगे। जिस तरह पुराने ज़माने में ये होता था कि अगर कोई भागा है तो उसके पीछे में खोजी जाते थे, तो वो उसके ट्रेल को फॉलो करते थे। जब वो बिल्कुल उसको पकड़ने लगते थे तो उसको कहते थे हॉट ऑन द ट्रेल। तो इस चीज़ से हमारे पास स्लैंग वर्ड आ गया है ये, और जिससे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, द पुलिस इज़ हॉट ऑन द ट्रेल ऑफ द मर्डरर, के खूनी के जो पुलिस है वो खूनी कातिल को बस पकड़ने ही वाली है। ठीक है जी। इसी तरह दोस्तों हमारे पास एक वर्ड है किडिंग। किडिंग का वैसे तो मतलब होता है जोकिंग, लेकिन आप मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ बताते हैं जो वाकई में सच है लेकिन वो यकीन करना मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, या मैं सरप्राइज करना। आप कहते हैं यार मेरा आज प्राइज बॉन्ड निकल आया है, मैं इतने लाख जीत गया, तो मैं कहता हूँ यू हैव टू बी किडिंग मी यार, मतलब कहीं तुम जोक तो नहीं कर रहे, यू हैव टू बी किडिंग मी, यानी कि ये जो सच है ये इस पर मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है। यू हैव गॉट टू बी किडिंग मी या यू हैव टू बी किडिंग मी, दोनों कह सकते हैं। अच्छा जी, एक ब्रिटिश इंग्लिश में हम ये स्पेशली यूज़ करते हैं नेकर्ड। नेकर्ड का मीनिंग होता है मतलब बहुत ज़्यादा, जब आप थक चुके हों तब आप कहेंगे आई एम नेकर्ड, मैं बहुत बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मैं बहुत बुरी तरह थक चुका हूँ। एक और स्लैंग वर्ड है जी, पार्टी हार्ड। इसका क्या मतलब होता है कि पार्टी में डांस करना, बहुत ज़्यादा उछलना कूदना, पीना पिलाना, उसको कहते हैं पार्टी हार्ड करना। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ डोंट पार्टी हार्ड एज इट्स नॉट अ वीकेंड, यानी कि अभी वीकेंड नहीं आया इसलिए पार्टी हार्ड ना करो यार, कल को ऑफिस जाना है। डोंट पार्टी हार्ड एज इट्स नॉट अ वीकेंड। एक और ब्रिटिश स्लैंग वर्ड है क्विड्स इन। इसका मतलब होता है कि सडन आपको अचानक बहुत से पैसे मिल जाएं, जिस तरह आप ने अपना ब्रेन यूज़ किया और आपने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए, या एक यूट्यूब वीडियो आपने बनाई उसे अपलोड किया वो बहुत मशहूर हो गई तो सडनली आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आना शुरू हो गए, तो उसको कहेंगे क्विट्स इन। राइटली सो, ये भी हम एक स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है कि जिस तरह होना चाहिए था, यानी कि आई कॉल्ड कॉल्ड हिम एंड राइटली सो, मैंने उसे कॉल की और मैं बिल्कुल इसमें करने में ठीक था। ठीक है, जिस मैं ये कह सकता हूँ आई कॉल्ड हिम स्टूपिड एंड राइटली सो, मैंने उसे स्टूपिड कहा और मैं ये कहने में मतलब मुझे ये कहना भी चाहिए था, तो उस वक्त हम राइटली सो का स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह एक स्लैंग वर्ड है जी स्क्रू अप। स्क्रू अप का क्या मतलब होता है, अमेरिकन स्लैंग वर्ड है और इसका मतलब होता है कोई गलती कर देना, कोई मतलब बड़ी गलती कर देना। जैसे मैं कहता हूँ यार आई स्क्रूड अप बैडली, यार मुझे माफ़ कर दो, यानी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझे माफ़ कर दो, आई स्क्रूड अप बैडली। एक ब्रिटिश स्लैंग वर्ड है स्किंट। स्किंट का मतलब होता है कि मतलब जब आपके मतलब पैसे कम हो, जैसा मैं कहता हूँ यार थोड़े से पैसे तो देना, आप कहते हैं यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, आई एम अ बिट स्किंट नाउडेज, यानी कि आजकल तो मेरे पास पैसे नहीं है, या जिसे हम कहते हैं ही इज़ अ बिट स्किंट नाउडेज, कि आजकल उसके पास पैसे नहीं हैं। इसी तरह हम एक और स्लैंग वर्ड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जो कि है स्लीप लाइक अ बेबी, बच्चे की तरह सोना। इसका मतलब ये होता है पीसफुली सोना, जिससे आप कहते हैं यार रात को नींद आ गई थी, तो मैं कहता हूँ हाँ यार आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पीसफुली मैं सोया, बच्चे की तरह सोया, तो उस वक्त हम स्लीप लाइक अ बेबी का स्लैंग वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश में ख़ास तौर पे हम कहते हैं स्लीप लाइक अ स्टोन, पत्थर की तरह सोना, यानी कि इतना सोना, ऐसा सोना कि आप अपनी करवट भी ना लें, एक जगह से दूसरी जगह भी ना लें, बहुत रेस्टफुली और डीपली गहरी नींद सोने को हम स्लीप लाइक अ स्टोन कहेंगे। जिस समय कहता हूँ आई स्लेप्ट लाइक अ स्टोन, यानी कि मैं तो बहुत ही
गहरी नींद सोया रात को, मैं थका हुआ इतना था कि आई स्लेप्ट लाइक अ स्टोन। एक और स्लैंग वर्ड अमेरिकन इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं, वो है जी स्टॉकर। स्टॉकर को ऐसे बंदे को कहते हैं जो कि किसी का पीछा करता रहे, उसके पीछे पड़ जाए और जिस हरासमेंट तक पहुंच जाए, यानी कि उसको हरा, दूसरा बंदा उसे डरने लग जाए, हरास होने लग जाए। ठीक है, जिस तरह हम डिजिटल स्टॉकिंग का वर्ड भी यूज़ करते हैं, जिस तरह आप किसी की प्रोफाइल पे जाके उसको देखते जाएँ, तस्वीरें देखें, तो उसको कहते हैं डिजिटल स्टॉकिंग। और उस पीछे ही मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते जाएँ या इस तरह का काम करते रहें, तो जिससे दूसरे बंदे को झंझलाहट हो, तो जो बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, दूसरे को तंग कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो वो है स्टॉकर। जिसे हम कहते हैं यार ही इज़ एक्टिंग एज अ स्टॉकर, या वो स्टॉकर की तरह मतलब एक्ट कर रहा है, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है, जी भी बंदा है उसके पीछे चल जा रहा है, तो उसको कहेंगे स्टॉकर। अच्छा जी, इसी तरह स्फीयर डाउन का मतलब होता है कसम खाना, कसम देना, कसम खाना, लेकिन स्फीयर डाउन कसम ही होती है, लेकिन मतलब जिसे आप कहते हैं आई स्वियर ऑन माई हार्ट, मैं अपने दिल की कसम खाता हूँ, आई स्वियर ऑन यू, आई स्वियर डाउन ऑन यू, ज़्यादा मतलब वाकई में यार मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं उनकी स्ट्रेस डाल रहे हैं आप कसम के ऊपर, उस वक्त हम स्वियर डाउन यूज़ करेंगे। आई स्वियर डाउन डैट इट वॉज़न्ट मी, मैं कसम खाता हूँ यार मैं नहीं था। तो जब आपने स्ट्रेस डालना हो कसम के ऊपर, तो आप सिर्फ स्वेयर का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि स्वेयर डाउन का वर्ड यूज़ करेंगे। स्वीट, वाओ दैट स्वीट, इसका मतलब होता है यार बड़ी अच्छी बात है, वाओ दैट स्वीट, ओ ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो स्वीट वैसे तो मीठे को कहते हैं, लेकिन स्लैंग के तौर पे आप इसको अच्छे के लिए भी यूज़ करते हैं। इसी तरह ब्रिटिश एक स्लैंग वर्ड है थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स, यानी कि कोई काम चल रहा है, इंजन चल रहा है, आप उसमें स्पैनर फेंक दें, ठीक है, या प्लायर्स फेंक दें, तो क्या होगा, इंजन रुक जाएगा। तो इसका मीनिंग यही होता है कि कोई काम चल रहा है और उसमें आप टांग अड़ा दें और उसको रोक दें, तो उसको कहते हैं थ्रो अ स्पैनर इन द वर्क्स। जिसे मैं पूछता हूँ आपसे कि यार वाई आर यू ऑलवेज थ्रोइंग स्पैनर्स इन माई वर्क, तुम हमेशा मेरे काम को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे होते हो, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, आप कुछ उसमें टांग अड़ाई जा रहे हो, वाई आर यू ऑलवेज थ्रोइंग स्पैनर्स इन माई वर्क। अच्छा दोस्तों, इसी तरह हमारे पास वर्ड है जी टाइट। टाइट क्या होता है, कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइट हो, ठीक है, लेकिन टाइट उस वक्त भी हम यूज़ करते हैं जब दो लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हों, दो कंपनीज आपस में कंपटीशन कर रही हों, और वो बस फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन में साथ साथ ही चल रहे हों, जीत का पता ना चल रहा हो कि आखिर में कौन जीतेगा, तो उस वक्त हम कहेंगे द कंपटीशन बिटवीन देम इज़ बिकमिंग रियली टाइट, उन दोनों के दरमियान जो कंपटीशन है वो बहुत तंग होता जा रहा है, पता नहीं कि कौन जीतेगा, तो उस वक्त हम टाइट का स्लैंग वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह एक और स्लैंग वर्ड हम यूज़ करते हैं टू हैंग आउट, जिसका मतलब होता है मतलब किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, जिसका मैं कह सकता हूँ आई एम हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। हैंग आउट यानी कि मैं दोस्तों के साथ हूँ, यार किधर हो, आई एम हैंगिंग आउट विद माई फ्रेंड्स। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और स्लैंग वर्ड है टू हैव अ ब्लास्ट, इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत मज़े करना, अच्छा टाइम गुजारना, जिससे मैं कहता हूँ यार अब तो तू पास हो गए हो, लेट्स इन्जॉय एंड हैव अ ब्लास्ट, अब मज़े करते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। टू हैव अ ब्लास्ट का मतलब है अच्छा टाइम गुजारना। ट्रैश, ट्रैश वैसे तो कूड़े करकट को कहते हैं, लेकिन किसी चीज़ को आप मार मार के मतलब गाड़ी है उसको मारें, तबाह कर दें, ईंटें शीटें मारें उसको, या किसी के घर में जाके उधम मचा दें, तो उसको ट्रैश करना कहेंगे। या ट्रैश उस वक्त भी कहते हैं जब किसी को कोई इतना मारे कि उसके खून निकलने लग जाए, तो उस वक्त भी हम ट्रैशिंग का स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने कहा दे ट्रैश्ड हिज हाउस, कि उनने उसके घर को तबाह कर दिया, उस चोरों ने या किसी ने भी। इसी तरह अमेरिकन इंग्लिश में हम एक और स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं व्हील्स। व्हील्स क्या कहते हैं, पहिए को,
लेकिन अमेरिकन स्लैंग इंग्लिश में हम इसको कार के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं यार तुम उधर कैसे जाओगे, तो मैं कहूँगा आई हैव माई ओन व्हील्स, यानी कि मुझे पहिए लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास अपनी सवारी है, मेरे पास अपनी गाड़ी है। तो व्हील्स अमेरिकन स्लैंग में कार को कहा जाता है। इसी तरह जी रैप अप का मतलब होता है ख़त्म करना। जिस मैं कहता हूँ लेट्स रैप अप आवर ट्यूटोरियल, आज का ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म करते हैं, या लेट्स रैप अप हम काम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ बस यार लेट्स रैप अप, कि आज का काम यहीं ख़त्म करते हैं, तो उसको हम रैप अप कहेंगे। और दोस्तों आज का लास्ट स्लैंग वर्ड है जी जोंक्ड, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में नैकर्ड यूज़ करते हैं, अमेरिकन स्लैंग में हम जोंक्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा थके होना। जैसा मैं कहूँ आई एम जोंक्ड, तो इसका मतलब है आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो हमने आज स्लैंग वर्ड सीखे हैं, इनमें से कोई भी स्लैंग वर्ड लेना है और उसको अपने एक सेंटेंस में यूज़ करना है, और उस सेंटेंस को नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर देना है, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि इसमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्टनर, मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, गुड डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आई फैक्टनर।